एक दुखी पति का खत अपनी पत्नी के नाम, जो अपने पुत्र को लेकर पियर में जाकर बैठ गई है। प्रिय जीवन संगिनी, ढेर सारा प्यार जब तुम्हारे साथ बिताया, एक एक पल अत्यधिक सताने लगा, तो अचानक मस्तिष्क में एक वैचारिक ख्याल आ गया। वैचारिक ख्याल तो क्या, भूचाल आ गया। जब से तुम मुझे छोड़कर पियर गई हो, रातों की नींद कमबख्त दुश्मन बन गई है। सगाई से शादी तक वाला तुम्हारा कोमल स्वभाव इतना कठोर हो जाएगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मैं आशावादी हूँ, तुम्हारे प्यार का दीप मेरे दिल के किसी कोने में आज भी जल रहा है और शायद ताउम्र जलता रहेगा। तुम्हारी यादों की महक से मैं आज भी सराबोर हूँ। तुम्हारे साथ बिताया एक एक पल, एक एक क्षण कभी भूल नहीं पाऊंगा। अभी अपना दीपो पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ और तुम उसे लेकर पियर में जाकर बैठ गई। आज लगभग 3 माह हो गए, तुमने उसे बाप के प्यार से जुदा कर दिया, बाप के साये से दूर कर दिया। मैं उसकी याद में तल तिल तिल कर मर रहा हूं, तड़प रहा हूं। उसे बाहों में उठाना चाहता हूं, उसको बाहों में लेना चाहता, उसके साथ खेलना चाहता। लेकिन क्या दीपू सिर्फ तुम्हारा ही है, जो तुम तो उसके साथ रोज खेलो, उसको पलने में झुलाओ, उसको जितना चाहो जब चाहो पपियां देती रहो, और ये सब करने के लिए मैं अभागा बन तरसता रहूं? आखिर मेरा गुनाह क्या है? यही ना कि मैं माँ बाप से अलग होकर स्वतंत्र रूप से तुम्हारे साथ रहने नहीं लगा। मेरा यही कहना तुम्हें नागवार गुजरा ना कि तुम अपनी माँ की बातों में आकर अपनी गृहस्थी में आग मत लगाओ, हर छोटी छोटी बातों में मेरी माँ को ताने मत मारो। मैंने यही तो कहा था ना कि मेरी माँ इस उम्र में अपना स्वभाव नहीं बदल सकती, तुम्हें ही बदलना होगा। तुम्हें मेरी माँ के साथ एडजस्ट करने की भावना जीवंत रखनी होगी। पापा के सामने भी तुम उल जलूल कपड़े पहनकर आ जाती थी। मैंने जब जब भी प्यार से तुम्हें समझाने की कोशिश की, तुम और कठोर होती गई। अपने माँ बाबूजी के साथ साथ मैं भी तुम्हारी नफरत का शिकार होते गया। तुम अपने शिक्षित होने के भ्रम में न जाने क्या सोचने लग गए। प्रिय, मुझे आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम अहंकार रूपी रथ पर सवार हो गई हो, और उस रथ की कुशल सारथी बन गई है तुम्हारी माँ, जिसके एक इशारे पर तुम चल रही हो। प्रिय, शिक्षा तो भले बुरे का विवेक जगाती है। शिक्षा तो बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सिखाती है। शिक्षा तो इंसान को विनम्र बनाती है। शिक्षा तो कर्तव्य बोध कराती है। शिक्षा तो त्याग का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा नफरत करना नहीं सिखलाती। शिक्षा आत्मीय रिश्तों को तोड़ना नहीं सिखाती। शिक्षक हमेशा यही शिक्षा देता है जो माँ बाप होते हैं, यही बताते हैं कि जीवन में कभी अहंकार मत करना। लेकिन मुझे दुख है कि तुम सर्वगुण संपन्न होकर भी इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाई, यथार्थ के धरातल पर जीना सीख नहीं पाई, और अकस्मात तुम न जाने ये सोचने लग गई कि मैं आत्मनिर्भर बन सकती हूँ क्योंकि पढ़े लिखे हूँ, मैं खुद कमा सकती हूँ, मैं खुद अपने पांवों पर खड़ी हो सकती हूँ, मैं इनकी गुलामी सहन क्यों करूँ, मैं इनकी माँ बाप की आज्ञा में क्यों रहूँ, मैं उनके दबाव में आकर अपने जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ में क्यों जाने। माँ बाप और सास ससुर के साथ गुजारे हुए दिन अनमोल होते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा होता है। प्रिय, ध्यान से सुन लेना, आगे कुछ लिखो उससे पहले याद रखना, तुम्हारा भाई भी बड़ा हो रहा है, उसकी भी शादी होने वाली है, तुम्हारे घर में भी बहू आएगी, वो भी अपने तेवर दिखाएगी, शायद तुम्हें अतिरिक्त बोझ समझकर तुमसे भी झगड़ा करना शुरू कर दे, तुमसे भी नफरत करना शुरू कर दे। दीपू को प्यार नहीं दे, गुस्सा आने पर दीपू को मारपीट भी दे, संभव है? क्या करोगे तुम? क्या तुम ये सब सहन कर पाओगी?
कभी नहीं। तुम्हारी माँ जब जब भी तुम्हारे प्यार में अंधी होकर तुम्हें उल्टी सीख देती थी, तुम्हें कहना चाहिए था कि माँ मैं यहाँ कुशल हूँ, मेरी चिंता मत करो माँ। तुम छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर माँ को अगर रोज नहीं सुनाती तो आज तुम्हें पियर में जाकर बैठने की नौबत नहीं आती। हम कैसे माँ बाप हैं जो जीते जी अपने ही संतान को अनाथ बनाए हुए हैं। दीपू 2 साल का हो गया है, इस उम्र में हमें उसे हर सुख से सराबोर करने के लिए एक साथ बैठकर उसके उज्जवल भविष्य का प्लान बनाना चाहिए। वह हम नफरत के तारों से उसके लिए वस्त्र बुन रहे हैं। नफरत के तारों से उलझकर बेटे की परवाह किए बिना स्वयं अपने लिए सुखों की चादर बुन रहे हैं। नहीं, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और ईश्वर तो क्या, दीपू जब बड़ा होगा वो भी तुम्हें और मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पूछेगा हमें कि पापा आप अपनी संतान के लिए भी, मम्मी तुम अपनी संतान के लिए भी ईगो नहीं छोड़ पाए और मुझे माँ बाप के प्यार से दूर कर दिया। अभी तुम पर भूत सवार है कि मैं कमा के खा लूंगी, मैं दीपू को बड़ा कर दूंगी, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। हाँ ये सब सही है, तुम सब कर पाओगी, कर लोगी, परंतु जरा सोचो यदि तुम्हें दूसरा पति मुझसे भी खराब मिला, यदि तुम्हें दूसरे सास ससुर मेरे माँ बाप से भी खराब मिले तो क्या तुम सहन कर पाओगे, क्या तुम वो एडजस्ट कर पाओगे? ये मात्र कपोल कल्पना नहीं, ये सारी संभावनाएं प्रबल है। तुम कहोगे कि मैं उनके साथ एडजस्ट कर लूंगी। प्रिय जरा सोचो, गहराई से सोचो, जब नए पति और नए सास ससुर से एडजस्ट करने की तुम सोच रही हो तो क्या मुझसे एडजस्ट करने की भावना तुम्हारे में जागृत नहीं होनी चाहिए? क्या मेरे माँ बाप से एडजस्ट करने की भावना तुम्हारे में जीवंत नहीं होनी चाहिए? एडजस्ट करना मत कहो, फर्ज निभाना कहो। याद करो वो दिन जब हमने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, कसमें खाई थी। याद करो वो दिन जब हमारी आंखों में एक साथ हजारों स्वप्न तैरते थे, जब दीपू ने धरती पर पहली सांस ली थी। याद करो वो दिन जब हम दोनों ने दीपू को बाहों में उठाकर उसे बड़ा आदमी बनने की कसमें खाई थी। प्रिय अपने बेटों को, प्रिय अपने बेटे की खातिर ईश्वर के बनाए इन अनमोल रिश्तों को मत तोड़ो। मैंने माँ को समझा दिया है, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी। और मैं भी तुम्हें वादा करता हूँ कि कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। मैंने अपने अहंकार को छोड़ दिया है, कभी छोटी छोटी बातों के लिए भी तुमसे उलझूंगा नहीं। तुम्हारी हर गलतियों को माफ करूंगा, तुम मेरी गलतियों को माफ करो। मेरे माँ बाप को तुम माफ कर दो, मैंने दिल से खत लिखा है, स्याही से नहीं खून से लिखा है, सारे युगों को ताक पर रख कर लिखा है, तुम्हें प्यार की सौगात देने के लिए लिखा है, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे झोले में डालने के लिए लिखा है। प्रिय मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं दीपू के बिना नहीं रह सकता। प्रिय याद रखना, विरह में बीते एक एक पल जो आज हम गुजार रहे हैं वापस आने वाले नहीं हैं, और अब एक पल भी तना न गुजरे इसलिए तुम भी अतीत को भूल जाओ। आओ अपने घर आओ, हम दोनों खुशहाल रहते हुए दीपू के भविष्य को सुनहरा बनाने जुट जाए। सच मानो जैसे मैं घोड़े पर सवार होकर आकुल व्याकुल आतुर बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें लेने को आने के लिए बस तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी तुझे फोन करता हूँ, तुम उठाते नहीं, इतना गुस्सा ठीक नहीं, इतनी नफरत ठीक नहीं, जीवन व्यर्थ चला जाएगा, जिंदगी का एक एक पल व्यर्थ जा रहा है। दीपू की खातिर आ जाओ, मेरी खातिर आ जाओ, मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ निभाने का वादा करता हूँ। प्रिय मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे फोन के इंतजार में तुम्हारा जीवन साथी दीपू की तड़प में तड़पता हुआ, तुम्हारे प्यार के लिए तरसता हुआ, तुम्हारा तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा जीवन साथी।